सबसे जोरदार स्वागत हुआ है। मैं सबसे पहले सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगी। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए सबों का प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और इंडिया को ये जीत हासिल हुआ है। मैं अपना ये क्राउड और ये अपना नाम मैं पूरे अपने राज्य झारखंड को समर्पित करती हूँ और अपने कंट्री इंडिया को, क्योंकि ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए भी और सभी लोगों के लिए कि फिलीपींस मनीला में जा कर के 22 कंट्रीज के साथ में कम्पीट करना और ये पहली बार वहाँ पे क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म में ये पदक जीतना, ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और साथ ही साथ मैं अपने दिल्ली के नेशनल डायरेक्टर मिस्टर अमित चौहान, मेगा स्टार प्रोडक्शन, मैं सबों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। ये अभी जितने भी लोग आपके आए हैं बता रहे हैं कि आदिवासी समुदाय से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अपना पैतृक मकान कोलंबी से बिलोंग करती हूँ, कोलंबी नगरी से, और मैं अपने स्टडीज़ के लिए नामकुम में रहती हूँ। और आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मेरे घर वाले हैं, सब मेरे एक परिवार है और मैं सभी से बहुत ही सालों के बाद मिल रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि सब यहाँ पे प्रेजेंट है। मेरे भाई बहन, मेरे मॉम, मेरे डैडी कहाँ है, सभी सभी मेरे फैमिली वाले, डैडी कहाँ है, डैडी हाँ प्लीज़ इधर आइए, और मेरी सिस्टर एल्सी, वेर आर यू, सब इधर उधर ठीक है, ओके, सो इधर आइए, इधर इधर। पापा चाहते थे कि आप सीए बनिए पढ़िए। अच्छा, पापा चाहते थे। हाँ, बट शायद मुझे लगता है कि मेरे डैड हमेशा से एक पैट्रियटिज्म आर्मी मैन रहे हैं, तो मेरे लिए कुछ और चीज़ें रखी हुई थी कि जैसे इन्होंने बॉर्डर में जाके देश के लिए सेवा किया, वैसे मुझे मौका मिला कि मैं अपने कंट्री को जाके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और मेरे मॉम, डैड और मेरे जितने भी फैमिली बैकग्राउंड के बिना ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती थी, क्योंकि इनका सपोर्ट और इनके मेहनत की वजह से आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ और ये मेरा दूसरा इंटरनेशनल टाइटल है, क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023। अच्छा, आप टूरिज्म की इंटरनेशनल क्वीन बनी हैं, झारखंड में भी टूरिज्म की बहुत अपार संभावना है, इस पर कुछ काम करिएगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ के मेयर सीजर वी अरेजा नाम है, उन्होंने बताया कि टूरिस्ट के लिए इंडिया के साइड से 80% लोग वहाँ विजिटिंग के लिए जाता है, क्योंकि जब हम एक पैजेंट्स को कम्पीट करते हैं तो ये पैजेंट सिर्फ और सिर्फ एक टाइटल नहीं रहता है, ये एक सारे कंट्रीज़ को जोड़ने का मकसद रहता है, ये एक इंडिया और फिलीपींस के बीच में जो बॉन्डिंग, जो रिलेशनशिप रहता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म रहता है। और मैं सभी युवाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप सब भी अपने शेल से बाहर आए, जितने भी वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, बहुत लोग अपने टैलेंट और अपने अंदर की बातें को छिपा कर रहते हैं, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं सबों को मैं ये क्राउन डेडिकेट करना चाहती हूँ और ऑल द बेस्ट एवरीवन और जोहार झारखंड। और मैं आप सभी की बेटी हूँ, झारखंड की बेटी हूँ, इंडिया की बेटी हूँ, आप सबों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहिए मुझे ताकि मैं आगे और भी नाम रोशन आगे कर पाऊँ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।